और इसी बीच आज तपोवन टनल पर राहत और बचाव का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य खुद पहुंची और उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की। एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। रेस्क्यू टीम को अब तक 36 शव मिल चुके हैं। तो उत्तराखंड की राज्यपाल खुद आज राहत बचाव काम का जायजा लेने के लिए तपोवन पहुंची और ये एसडीआरएफ की सर्च जो टीम है उसका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और बीते रविवार जब से ये प्रलय टूटी उसी के बाद से तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी टीमें लगी हुई वो तो लगे हुए हैं। वो अब टाइम बाउंड तो नहीं है। अब वो जितना बेचारे प्रयास कर रहे हैं उनकी भी आप लोग थोड़ी सी ये सोचिए, वो लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लगाए। और हम सबको मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अपने सभी जो भी निवासी हैं, बहन भाई बड़े बुजुर्ग सब, बाबा बद्री विशाल से और केदारनाथ से ये प्रार्थना करें कि टनल जल्दी से जल्दी खुले और जो अंदर हैं वो जल्दी बाहर आएँ। वो जिस दिशा में हो, अगर वो ईश्वर करे उनमें सांस हो तो उन्हें बचा पाएँ। ABP News आपको रखे आगे।